ट्रैवल गाइड देखने वाले तमाम आज़ीज़ नाज़रीन को ट्रैवल गाइड पर खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे जनूबी एशिया के बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए एक मुल्क नेपाल की। दुनिया की तारीख में नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिस पर कोई भी मुल्क आज तक बादशाहत नहीं कर सका, क्योंकि गोरखा आर्मी नेपाल की बहुत ही खतरनाक आर्मी मानी जाती है। 1815 में अंग्रेज़ों ने नेपाल पर बादशाहत करना चाही, लेकिन नेपाल की गोरखा आर्मी ने अंग्रेज़ों की आर्मी को बुरी तरह शिकस्त दी और अंग्रेज आर्मी को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि नेपाल की आज़ादी का कोई दिन नहीं है और ना ही नेपाल के लोग किसी भी दिन को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। नेपाल एक गरीब मुल्क है लेकिन कुदरती नज़ारों से भरा हुआ है। वक्त के साथ साथ कई बड़े मुल्कों ने नेपाल के कमज़ोर दिनों में माशी तौर पर नेपाल की बहुत मदद की। नेपाल का मुकम्मल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। नेपाल का कुल रकबा 147,516 मुरबा किलोमीटर है। नेपाल अपने रकबे के अतबार से पूरी दुनिया में 93वें नंबर पर आता है। नेपाल की कुल आबादी 2,90,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है। नेपाल अपनी आबादी के अतबार से दुनिया में 49वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है जिसकी आबादी तकरीबन 15,00,000 के करीब है। नेपाल का दारुलकूमत भी काठमांडू ही है। नेपाल का परचम दुनिया में मौजूद तमाम मुल्कों के परचमों से मुख्तलिफ है। आमतौर पर किसी भी मुल्क का परचम मुरब्बा या मुस्तकिल शक्ल का होता है, लेकिन नेपाल का परचम दो मुसलसों को जोड़कर बनाया गया है। नेपाल की सरहदें चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से मिलती हैं। नेपाल की कुल 7 रियासतें हैं। नेपाल का पहाड़ी सिलसिला दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। दुनिया के सबसे बड़े 10 पहाड़ों में से 8 पहाड़ नेपाल में ही मौजूद हैं। दोस्तों आपने माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये एजाज भी नेपाल के पास है कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही वाकया है। लेकिन नेपाल की एक अहम बात यह भी है कि दुनिया में कद के लिहाज से सबसे छोटा इंसान नेपाल में ही मौजूद है, जिसका कद सिर्फ 21 इंच है। नेपाल में 600 से ज्यादा अकसाम के परिंदे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले परिंदों का 8% हिस्सा सिर्फ नेपाल में ही मौजूद है। नेपाल में नेपाली लोगों के अलावा एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग भी नेपाल में रहते हैं। नेपाल में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज को नेपाली कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग नेपाल में रहते हैं, इसलिए नेपाल में कई किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान को नेपाली कहते हैं, जो तकरीबन 41% लोग ही बोलते हैं। नेपाल में सबसे ज़्यादा पैरवी करने वाला मज़हब हिंदू मज़हब है, जो पूरे नेपाल में तकरीबन 82% के करीब है। कुछ अरसा पहले नेपाल का कौमी खेल गुल्ली डंडा था, लेकिन बाद में कौमी खेल गुल्ली डंडा को तब्दील कर दिया गया और नेपाल का कौमी खेल वॉलीबॉल रखा गया और अब नेपाल का कौमी खेल वॉलीबॉल है। नेपाल में सबसे ज़्यादा फुटबॉल को पसंद किया जाता है। नेपाली लोगों का पसंदीदा खेल फुटबॉल है और लोग फुटबॉल को बहुत शौक से खेलते और देखते हैं। लेकिन हाल ही में क्रिकेट भी नेपाल के पसंदीदा खेलों में से एक खेल माना जाता है। दोस्तों क्या आपको याद है कि जून 2001 में नेपाल में एक अलमनाक वाकया पेश आया, जिसमें नेपाल के शाही खानदान के 9 लोगों को एक ही दिन मार दिया गया और नेपाल के लोग आज तक इस सदमे को भूल नहीं सके। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत सदारती पार्लिमानी जमहूरियत है। नेपाल में 2007 से पहले बादशाहत का राज था, लेकिन 2007 के बाद पार्लिमानी निज़ाम का आगाज हुआ। नेपाल को साउथ एशिया का सबसे कदीम तरीन मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों अगर नेपाल के मौसमों की बात करें तो नेपाल में 5 तरह के मौसम पाए जाते हैं, जिसमें मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मूनसून, खजां और बहार हैं। नेपाल में बंगाल टाइगर्स और गेंडू की बहुत ज़्यादा तादाद है, इसलिए नेपाल को बंगाल टाइगर्स और गेंडू का घर भी कहा जाता है। नेपाल में सबसे ज़्यादा आमदनी टूरिज्म से ही आती है, जिनमें ज़्यादातर सयाह माउंट एवरेस्ट और नेपाल में दूसरी चोटियों को सर करने आते हैं। दोस्तों अगर नेपाल में सेहत के बारे में बात की जाए तो नेपाल सेहत पर अपने GDP का तकरीबन 8.5% ही खर्च करता है और मुल्क में तकरीबन 2000 मरीजों के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर और 6 बेड दस्तियाब हैं। नेपाल में 91% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर है। कर्णाली दरिया नेपाल का सबसे बड़ा दरिया है।
नेपाल तालीम के शोबे में अपने GDP का तकरीबन 3.7% खर्च करता है और मुल्क का लिटरेसी रेट 64% है। नेपाल में हिंदुओं के अलावा और भी कई मजाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन नेपाल की सबसे अलग और अच्छी बात यह है कि यहाँ कभी भी मजहब को लेकर कोई भी फसाद नहीं हुआ और कभी भी मजहब की आड़ में किसी का एक कतरा खून भी नहीं बहाया गया। नेपाल के लोगों का सबसे पसंदीदा खाना मोमोज है, जिसके स्टॉल्स आपको नेपाल में हर गली कूचे में आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, नेपाल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नेपाल में न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं बल्कि अप्रैल के मिड में बनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।